हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित प्रीवियस ईयर परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एंड तक ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया था? तो कांग्रेस का 1938 में जो अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन, इसमें सर्वप्रथम देसी रियासतों को भारत का अभिन्न अंग माना गया था। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हरिपुरा अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? तो हाड़ौती जो सेवा संघ था उसकी स्थापना नयनू राम शर्मा के द्वारा की गई थी। सबसे पहले 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की गई थी नैनू राम शर्मा के द्वारा। ठीक है, लेकिन ये जो प्रजामंडल था ये मृतप्राय हो गया, यानी कि चल नहीं सका। ठीक है, इसके बाद 1939 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, जब हाड़ौती प्रजामंडल निष्क्रिय हो गया था। तब नैनू राम शर्मा ने पंडित अभिन्न हरि के साथ मिलकर कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी। जो सेकेंड ऑप्शन में है, अभिन्न हरि, इनके साथ मिलकर नैनू राम शर्मा ने कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की थी। प्रथम अधिवेशन जो पंडित नैनू राम शर्मा की अध्यक्षता में हुआ था वो मांगरोल में हुआ था। नैनू राम शर्मा की अध्यक्षता में मांगरोल में 1941 में प्रथम अधिवेशन हुआ था इसका। पंडित नैनू राम की हत्या हो जाने पर कोटा प्रजामंडल की जो बागडोर थी वो अभिन्न हरि ने संभाली थी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो नैनू राम शर्मा पहले तो हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना की थी, 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी। इसके बाद जब ये निष्क्रिय हो गया हाड़ौती प्रजामंडल, तो 1939 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी इन्होंने। कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो नैनू राम शर्मा ये कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक थे, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस। माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का सातवां अधिवेशन 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उदयपुर के सलेटिया मैदान में हुआ। उदयपुर में ये हुआ था। ठीक है, किसके प्रयासों से? माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से 31 दिसंबर 1945 से लेकर 1 जनवरी 1946 तक जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। उत्तरदायी शासन की स्थापना की इसमें मांग की गई थी, इस पर सहमति बनी थी और राज्य की रियासतों में अभूतपूर्व जागृति इसके द्वारा आई थी। तो आपको याद रखनी है, स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जो अध्यक्षता थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी उदयपुर सलेटिया मैदान में। कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य और मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे? तो करेक्ट आंसर इसका झालावाड़ राज्य प्रजामंडल। झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य और मकबूल आलम। ठीक है, मांगीलाल भव्य इनकी अध्यक्षता में ये जो आंदोलन था, प्रजामंडल था, ये गठित हुआ था। कब हुआ था? 25 नवंबर 1946 को ये प्रजामंडल था, ये गठित हुआ था। राजपूताना के किस राजघराने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था? तो बीकानेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।